सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर। सो फाइनली गाइस, आप लोगों का फर्स्ट डे का दोनों सेशन हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं पहला सेशन और दूसरे सेशन में क्या डिफरेंस था और क्या था डिफिकल्टी लेवल दोनों पेपर्स में। तो आज आइए जानते हैं। तो पहला सेशन का अगर बात किया जाए, पहला शिफ्ट में जो आपका जो फिजिक्स था दैट वॉज मॉडरेट एंड केमिस्ट्री वॉज इजी, इजियर साइड पे था, मीन्स मॉडरेट टू इजियर के तरफ शिफ्टेड था। और मैथ एज यूजुअल गाइस टफ टू मॉडरेट। तो ऑल आवर पेपर जब कंक्लूड किया जाता है तो ये मॉडरेट कंडीशन में था। ऑलराइट गाइस, तो आपका जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आपका पेपर जो है ऑल ओवर मॉडरेट है। तो इसका कट ऑफ जो है वो मीडियम जाने वाला है, ठीक है, ना ज्यादा हाई जाने वाला ना लो। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयार रहे। और सेकेंड शिफ्ट का बात किया जाए तो फिजिक्स जो था, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है फिजिक्स बहुत इजी था, डुएबल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। गाइस इस बार जो जेईई मेंस जो क्वेश्चंस रेडी किया है वो लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रखा गया सो दैट किसी को कोई डिफिकल्टी ना हो। ऑलराइट, एंड केमिस्ट्री जो था गाइस सेकेंड शिफ्ट में वो थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट मीन्स मॉडरेट कंडीशन में, क्योंकि गाइस केमिस्ट्री को हार्ड नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चंस थे। और एक इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट की ओर चला गया, वरना केमिस्ट्री एज यूजुअल हमेशा इजियर के तरफ शिफ्टेड रहता है। और मैथ्स गाइस इस पेपर में भी मैथ्स जो था वो मॉडरेट था, मॉडरेट टू इजियर ही था। दोनों पेपर में इस बार मॉडरेट टू इजियर ही मैथ्स पूछा गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। बच्चों का कहना है कि मैथ्स जो था इस बार डुएबल आ रहा है, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जैसे चैप्टर से एज यूजुअल हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसका भी जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलर जाने वाला गाइस, दोनों का जो कट ऑफ है लगभग सिमिलर जाने वाला है। आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सारे शिफ्ट का शिफ्ट वाइज क्या कट ऑफ जाने वाला है फॉर क्वालिफाई करने के लिए जेईई मेंस को एडवांस में बैठने के लिए, एंड ऑफ कोर्स एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के लिए क्या कट ऑफ जाने वाला। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम बात करने वाले हैं कि कल का पेपर कैसा होने वाला। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।